अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है सऊद। आज हम बात करेंगे पीसीबी के नए चेयरमैन नजम सेठी ने चार्ज संभाल लिया और आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बाय द वे। इस बारे से बात करेंगे और बात करेंगे मोहम्मद आमिर ने किया है वेलकम चेयरमैन पीसीबी को, क्यों वेलकम किया है इस बारे से बात करेंगे। और बात करेंगे मीर हमजा का दिल टूट चुका है, उन्होंने ट्वीट करी जो कि मुझे भी दिल पे लगी, इस बारे से बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे शाहिद अफरीदी और सना मीर को मिलने जा रहा है, स्पेशल होता वो क्या है इस बारे से बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लास्ट भी करें। तो फाइनली नजम सेठी ने चार संभाला और आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हाँ फराज, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो काफी धुआंधार करी है, दिल जीतने वाली की है। अभी फिलहाल उनसे देखो, सबसे पहले जो उनसे सवाल पूछे गए जो चार साल में हुआ गया है, ये क्या हो रहा है क्या, उन्होंने बोला मैं जो पिछले चार साल में हुआ है ना इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है, हमने आगे देखना है, अभी हमारी क्रिकेट में जो चल रहा है ना उसको सही करना है। उनसे ये पूछा जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुए इसके हवाले से आप क्या कहते हो, तो उन्होंने यही दुख के साथ कहा कि ये हो चुका है अनाउंस, इसमें मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, अगर नहीं होता तो मैं बड़ी बड़ी तब्दीलियां इस टीम में लाता टेस्ट क्रिकेट में। उनसे बस यही सवाल किया गया और अभी भी उन्होंने कहा है अभी वक्त पड़े हुए 4-5 दिन, तो हम इसमें चेंजिंग करने का सोच भी सकते हैं नहीं भी सोच सकते, मतलब उन्होंने दोनों बातें आपको रख दी है प्लेट में, अब आप किस तरह लेना चाहो उसको। अब देखें टीम में चेंजिंग तो बनती है सऊद, क्योंकि डिजर्विंग प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, ये जो टीम है बाबर आजम की पसंद और नापसंद पे बनी हुई है, बनी सबको नजर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, हमें नजर आ रहा है बाबर आजम उन प्लेयर्स को भी डिफेंड कर रहे हैं जो टीम में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और जो दे रहे उनको लैम एक्सक्यूजेस देके बाहर बिठाया हुआ है। देखो उनसे यही सवाल किया गया जो 2014 का आईन बहाल हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि देखो हमने पीएसएल से ही लड़के उठा रहे हैं जो डोमेस्टिक में जो डिजर्व करते हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं उनको मौका नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बहुत हो रही है मतलब प्लेयर्स क्रिकेटर्स की, तो इस वजह से हम ये आईन बहाल कर रहे हैं। तो छोटा सा सवाल है फराज, अगर बेरोजगारी बहुत हो रही है तो एक छोटी सी बात है, पाकिस्तान में कितने बेरोजगार हैं, सिर्फ आप अगर आप सिर्फ क्रिकेटर्स की बेरोजगारी की फिक्र कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। सो बताता चलूं एक क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेटर भी मैच की फीस इतनी लेता है कि एक नॉर्मल फैक्ट्री में जॉब करने वाला बंदा पूरा महीने मेहनत करके भी नहीं कमाता। बात करूं ना, अगर आप कंपनी में मैनेजर भी हो सुपरवाइजर भी हो जब भी आप इतने नहीं कमाओगे जो क्रिकेट का आम से आम लोकल से लोकल प्लेयर कमा लेता है डोमेस्टिक में। मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी जो रवि साजा नया स्ट्रक्चर लाए थे अंडर 13 का जो उनकी महीने की सैलरी थी वो 30,000 थी, चलो और साउथ कंपनी में कितनी है 18,000 की सैलरी है। हाँ बिल्कुल, अब देखो बात मेरी सुनो, बात ये नई हुकूमत आती है, नए होते हैं, नए चेयरमैन आए, अब नई उनके रूल्स होंगे और उनसे अब पेशावर के उससे भी पूछा गया जो रमेश राजा ने रेड लाइन दे दी थी पेशावर को लेके, तो उस पे उन्होंने ये बोला क्यों नहीं करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे, कोई रेड लाइन नहीं है, 6 महीने में हमारी बात भी हो चुकी है और हम 6 महीने में जो है उधर मैचेस होंगे या ना हो रेडी हो जाएगा, 6 महीने में आपका पेशावर के स्टेडियम भी रेडी होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम लाहौर में मैचेस करवा रहे थे पीएसएल के वगैरह के जो भी सीरीज हो रही थी तो कराची के लोगों ने एक बड़ी आवाज उठाई थी कि ये कराची में नहीं करवाएंगे, कराची और मुल्तान में नहीं करवा सकते, मैंने कराची में भी करा के दिखाया और देख लो कराची जब वेस्ट इंडीज आई थी पाकिस्तान तो हमने तीनों मैचेस कराची में करवाए थे, तो उन्होंने ये भी है चलो पेशावर वालों का दिल उन्होंने ऐसे जीत लिया। अब देखो मैं सब एक बात बताऊं, जो अच्छा बोलेंगे जो अच्छा करेंगे ना हम उनको क्रेडिट देंगे, बेशक उनकी पॉलिटिकल अपार्टमेंट है, पॉलिटिकल अपार्टमेंट है, ये हम धक्की की चोट पे कहते हैं, अगर कोई कहता है कि ये मेरिट पे आए तो बिल्कुल भी मेरिट पे नहीं आए, पर लाजमी नहीं कि अगर कोई सिफारिश पे आएगा तो वो अच्छा काम नहीं कर सकता, कर सकता है। देखो अगर अच्छा काम करेंगे उनको अप्रिशिएट। देखो इन्होंने अपने दौर में कुछ अच्छे काम भी किए फराज, पीएसएल ऐसी बात नहीं है, रमेश राजा ने भी किए, दोनों ने अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है, पीएसएल आपके ब्रांड बन चुके हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, ठीक है, आपके मुल्क में फॉरेन प्लेयर्स आने लग गए, टीमें आने लग गई है, तो काफी अच्छी बात है, काफी अहम बात है। आज जैसे न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है फाइनली, उनको गिफ्ट तोहफे वगैरह दिए गए और अजरक भी दी गई है, ठीक है फरहान आपकी जो बहुत ज्यादा फेवरेट है जो आप माइयो मेहंदी में पहनते हो, ठीक है बहुत फेवरेट है, उनको दी गई है। और उस अब उनसे एक सवाल और पूछा गया नजम सेठी से कि इमरान खान की अगर इलेक्शन होते 3-4 महीने बाद और इमरान खान आते तो आप क्या क्रिकेट में यही नुकसान रहेगा, देखो फरस कॉल आ रही है, तो क्रिकेट में क्या यही नुकसान रहेगा, तो उन्होंने जवाब फाइनली ये दिया
कि देखो अभी इलेक्शन का कुछ नहीं पता, क्या होता है क्या नहीं होता, इलेक्शन का भी हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए ये तो पाकिस्तान का असूल रहा है, आप कुछ भी कर लो, कितना अच्छा काम क्यों ना कर लो, जिस तरीके से नजम सेठी ने इमरान खान को ट्रोल किया है ना, फराज बंद अल्फाज में किया, ठीक है, जिस तरीके से करा है ना, अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो इमरान खान बिल्कुल भी इनको इनके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे और बाहर कर देंगे। मैं एक और बात बताऊं आपको, नजम सेठी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखो एक बात और बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि फैंस ने पूछा कि क्रिकेट को तो ऐसे नुकसान होगा जब चेयरमैन चेंज होते रहेंगे, नए नए रूल्स आएंगे उनके, तो उन्होंने यही बात बोली कि अगर मेरी कारकर्दगी अच्छी होगी तो कोई भी हुकूमत आ जाए मुझे नहीं हटाएगी, क्योंकि मैं कारकर्दगी करके दिखा रहा, लोग मेरा साथ देंगे फिर। तो उनकी बातों से यही लगता है कि करने से आया, और ये 4 महीने तो आपको बता दूं करेंगे, और उन्होंने यही कहा सिर्फ 4 महीने लगेंगे इस स्ट्रक्चर को सही करने में, तो अब देखते हैं 4 महीने में क्या करते हैं। अभी भी 4 महीने, अब जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं क्या मुंह के ही है या करके दिखाएंगे, अभी तक तो उन्होंने सब कुछ मुंह से ही किया है, पाकिस्तानी भी चीखे निकलवा दी, लेकिन इन सब में अब पिशावर का दिल जीत लिया है बिल्कुल। और जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही मोहम्मद आमिर का कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है भाई, सिफारिशें लगवा रहे हैं नजम सेठी के हक में, उन्होंने ट्वीट किया कि राइट मैन टू राइट पोस्ट। बिल्कुल देखो मोहम्मद आमिर के साथ बहुत ज्यादती भी हुई है फराज, मैं एक बात नहीं कहूंगा, मोहम्मद आमिर के साथ पीसीबी ने बहुत ज्यादतियां की है, एनओसी नहीं दे रहे, कभी कुछ नहीं दे रहे उनको, बिना परफॉर्मेंस के बेस पे यार आपने बाहर किया है, आपके हसन अली कितने टाइम परफॉर्मेंस नहीं किया, 1 साल नहीं किया, आपने उनको कंटिन्यू करा के रखा, ये तो वर्ल्ड कप के बाद हुआ है ना, उसके बाद भी टेस्ट सीरीज उनको खिलाई गई बांग्लादेश के खिलाफ, और मकसद ये है मोहम्मद आमिर भी अपनी जगह, अगर मैं कहूँ ना एक इंसानियत के उस पर क्रिकेट फैंस के होने के नाते तो वो भी सही है फराज, अपनी जगह पॉइंट है, और मैं अपनी दिली ख्वाहिश बता रहा हूँ मोहम्मद आमिर को मैं देखना चाहता हूँ खेलते, बहुत तेज हो रहे हो भाई मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर, मैं कह रहा हूँ अभी तक कोई नहीं है, परसों पेस है उस बंदे मेरा के पास है। मेरे दिल में पता है क्या बात है, मैं हफीज वाली प्राइड रखता हूँ जो पाकिस्तान को एक दफा बदनाम कर, तो रमीज राजा भी है ठीक है फराज, समझ रहे हैं आमिर ने बदनाम नहीं किया, उनको सलमान भट्ट ने बोला एक छोटी सी बात है आपकी टीम है, आपका कैप्टन बोलता है आपने ऐसा ऐसा करना है, वरना ये इसका मसला हो जाएगा, आप वही करोगे, आप कैप्टन के उस पे चलोगे, सलमान भट्ट ने उनको जो जो बोला जिस वक्त उन्होंने की थी ना वो सिर्फ 18 से 19 साल के थे, आप सबको समझ नहीं थी, मैं अपना बता रहा हूँ कभी भी कोई मेरे मुल्क के खिलाफ कुछ करने को बोलेगा ना मैं अपना सर कटवाने को तैयार हूं, एक बार कभी भी मुल्क का नाम बदनाम नहीं करूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, उन्होंने किया मैं मानता हूं गलत किया, माफिया मांगी उन्होंने, सलमान भट्ट ने आज तक माफी नहीं, अरे सर यही हमारी माफिया देखो फराज, यही हम लोग इमोशनली इतने ब्लैकमेल होते हैं, आपको मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दो, आपको एक छोटी सी बात ये कह रहा हूं, जब इंसान माफी मांग लेता है ना तो जब अल्लाह माफ कर देता है तो आप क्या हो आप और हम क्या है, इंसान है, देखो माफी मांगी है उन्होंने जो माफी मांगी है वो ठीक है, देखो माफ करना बनता है, सही। उनको मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए, डिजर्व करते हैं, अभी आप भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, अल्लाह माफ करता तो हम भी माफ करना चाहिए, वो ठीक है हमें माफ करना चाहिए, पर एज अ नेशन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी नेशन का नाम खराब करे ना हमें अपनी नेशन के नाम से दूर रखना चाहिए, ठीक है उन्हें चांस दे दिया, अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो हम उनके लिए आवाज बुलाएंगे। सब खेला यार 19 का वर्ल्ड कप खेला, 17 का समझे नहीं, अब मेन चीज है अब चांस, अबे ठीक है साल की भाई, अगर वो क्या रह गई है 3-4 साल, अगर अभी वो परफॉर्मेंस करेंगे तो हम जरूर उनके लिए आवाज उठाएंगे, पर अभी वो ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना वो कोई और से क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ पीएसएल और लंका लीग खेल रहे हैं, तो उस परफॉर्मेंस पे तो उनकी टीम में बात नहीं कर सकते, देखो बात परफॉर्म करेंगे तो हम जरूर बात करेंगे, उनको डोमेस्टिक में आना चाहिए, पीएसएल में उनको करके दिखाना चाहिए, बिल्कुल अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए जरूर उनके लिए आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, परफॉर्मेंस करेंगे पीएसएल में, डोमेस्टिक में कुछ करेंगे तो फिर मैं भी उनका बैठ के बोलूंगा। और फिर जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है मीर हमजा की के लिए, बहुत वाकई में दिल से उदास है, उन्होंने कुरान की आयत शेयर की ट्विटर पे और उसका जो तर्जुमा बनता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसका तर्जुमा ये है, और ये हकीकत है कि जो कोई सबर से काम ले और दर गुजर कर जाए वो बड़ी हिम्मत की बात है, इंशाल्लाह ये सबर उनका टूटता जा रहा है। फराज ये बंदा जब क्रिकेट में आएगा ना ये इंसान ये बहुत नाम कमाएगा इंशाल्लाह, इसके इस ट्वीट ने ना मेरा दिल जीत लिया है, जिस तरह का उन्होंने प्यार से किया है ना, ठीक है ना किसी के ऊपर ट्रोल किया ना किसी को कोई जुमला ऐसा बोला, इन्होंने अल्लाह का सहारा लिया, जब इंसान अल्लाह का सहारा ले लेता है ना, अल्लाह की आयत उन्होंने लिखी है तो समझो वो कामयाब जरूर होता है,
तो इंशाल्लाह ये बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। पर साउथ कोई प्लेयर्स इतनी मेहनत कर रहा हो और वो डिजर्व कर रहा हो ना टीम में आना, अगर वो ना आए ना तो दिल से वाकई में ही उसके लिए दुख होता है। डिजर्व करते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं उन प्लेयर्स की बात करने के लिए जो टीम में ये में आना का हक रखते हैं। ये हम इनके ट्वीट पे नहीं कह रहे, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे कह रहे हैं। सारी बातें पिछले दो हफ्ते से उनके हक में आवाज उठा रहे हैं, जब से पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई है तब से आवाज उठा रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली नई टीम में सिलेक्ट हो रहे। और जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही शाहिद खान अफरीदी को पीसीबी में ओहदा मिलने जा रहा है। पीसीबी में सना मीर और शाहिद खान अफरीदी को ओहदा देने का फैसला कर लिया गया है। अगर बताता चलूं तो नजम सेठी ने आते ही अपनी टीम मैनेजमेंट चेंज करी, 14 मेंबर्स का ऐलान किया गया है। सबसे नंबर वन पे जो है आपके गुलजादा, ठीक है, आपके नंबर टू नुमान बट, हारून राशिद, सना मीर आपके एक्स कैप्टन है, ठीक है, पाकिस्तानी वुमेन्स की, ठीक है, इजाद असद है ना, तनवीर अहमद को भी दिया गया है। तनवीर अहमद जो इतनी क्रिटिसाइज करते हैं, यही है, आप क्रिटिसाइज करो आपको कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा। गुल मोहम्मद काकर, अयाज भट्ट, शाहिद खान अफरीदी, अच्छा शफकत राणा, फिर आसिफ सईद, आरिफ सईद, अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ डिजर्विंग भी है। शाहिद खान अफरीदी को ओहदा दिया गया है तो क्रिकेटर को ओहदा दिया जाएगा ना सब, वो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि क्रिकेटर ही क्रिकेट को चला सकता है। देखो शाहिद खान एक बहुत नाइस पर्सन है, मैं समझता हूँ, पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी तो है, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान भी है, मैं ये समझता हूँ काफ़ी अच्छे बंदे वो, और जिस लिहाज से वो काम करते हैं ना, जिस तरह के वो टीवी पे आके बोलते हैं, ना किसी की दिलाजारी होती, ना किसी को बुरा लगता, ना किसी को अच्छा लगता, सब उनकी फेवर में ही होता है। चल शाहिद खान अफरीदी को भी फाइनली पीसीबी में बोला अभी तक मैं समझता हूँ लेजेंड है और वो लेजेंड रहेगी। ऐसी अब मुझे नहीं लगता कि कोई वुमेन्स आएगी, हकीकत बात है, ऐसा कोई कैप्टन आने वाला, बॉलिंग भी करके दे रहे थे, बैटिंग भी करके दे रहे थे, चले आएगा भी तो हमारी वुमेन क्रिकेट ऊपर चढ़ेगी। चले हम आपसे चाहेंगे क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।